कलर्स रिसेंटली लॉन्च शो जुनूनियत में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सबको ये लग रहा था कि बीजी इलाही को जहां के बाहों में देख लेती है इसलिए वो गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में जब म्यूजिक रूम का दरवाजा खुलता है तो वहां पर सिर्फ इलाही होती है और कोई नहीं। इलाही झूठ बोलती है कि वो लाइब्रेरी जा रही थी, गलती से म्यूजिक रूम पहुंच गई और उतने में किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। लेकिन बीजी इज नॉट कन्विंस्ड। बीजी को लगता है इलाही कुछ छुपा रही है और उनकी नजर इलाही के हाथ में बंधी पट्टी पर पड़ती है और वो वापस से इलाही को इंटरोगेट करने लगती है। अब जब इलाही ने इतना झूठ बोल लिया है तो एक झूठ और सही। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे जॉर्डन इज शॉक कि जहां आखिर गया कहां। इंटरेस्टिंगली जॉर्डन म्यूजिक रूम में ही होता है, वो छुप गया था ताकि इलाही मुसीबत में ना पड़े। शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि व्यूवर्स को देखने मिलेगा ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा। घर पहुंचने के बाद इलाही सो नहीं पाती ये सोचकर कि उसे बचाने के चक्कर में जहां अभी भी म्यूजिक रूम में लॉक्ड है। सबके सो जाने के बाद वो हुस्ना को कॉल करती है और उसके साथ मिलकर कॉलेज जाकर जहां को म्यूजिक रूम से निकालने की प्लान बनाती है। अनफॉर्चुनेटली वो घर से निकल रही होती है, बीजी उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि वो कहां जा रही है। अब क्या बहाना बनाएगी इलाही। शो में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए जुनूनियत, और शो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को सब्सक्राइब करना ना भूले। Hi guys, this is me Anushka Singh. You're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.